वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या प्रोजेक्ट है। तो क्या है कि मुझे एक ऑटोमेटिकली फाइल फोल्डर क्रिएशन का एक माइक्रो बनाना है। मतलब क्या है कि मेरे ड्राइव में, मेरे एफ ड्राइव में, मैं एफ ड्राइव में या फिर एक काम करते हैं, फिर लेता हूँ मैं जी जी ड्राइव में, मैं चाहता हूँ कि मेरे जी ड्राइव में एक एक फोल्डर क्रिएट हो। जैसे अभी ईयर चल रहा है 2020 चल रहा है, 2020 का फोल्डर क्रिएट करें, और फिर 2020 का फोल्डर जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर जो महीना चल रहा है महीने का फोल्डर क्रिएट करें, फिर महीने के अंदर आज के डेट का फोल्डर, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस पे राइट क्लिक करूँ और एक फोल्डर क्रिएट करूँ, वो क्रिएट करूँ 2020 का, फिर 2020 के अंदर मैं क्रिएट करूँ फोल्डर मार्च का, और फिर इस मार्च के अंदर क्रिएट करूं आज का फोल्डर जो कि है आज है 6 का, और इस 6 के अंदर जो है एक फाइल क्रिएट हो एक्सेल की, सिक्स नाम से, ठीक है, क्लियर है। तो अभी चीज हमको करना है कि ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी ये सॉफ्टवेयर है जहां से मेरा फाइल डाउनलोड होता है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है जहां से मेरी फाइल डाउनलोड होती है, उस फाइल में क्या है, एक सॉफ्टवेयर उसको एक फाइल का लिंक देना होता है, ठीक है, उसको फाइल का हमें लिंक देना पड़ता है। तो ये हर बार मुझे फोल्डर बनाना पड़ता है, तो इस सीक्वेंस में हमें चाहिए ताकि हमारा फोल्डर इस फाइल के अंदर डेटा को कॉपी कर दे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक तो फाइल को डाउनलोड करता है और दूसरा अगर फाइल फाइल को एडिट करता है। तो मेरी सॉफ्टवेयर है वो किसी तरह की फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाता है, वो सॉफ्टवेयर वो फाइल को एडिट करता है, मतलब कि उसमें जो फाइल है उस फाइल को, जो डेटा है उस डेटा को रखता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले करेंट सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चल रहा है ना मैं, तो हमें करेंट सिस्टम डेट पता होना चाहिए कि करेंट सिस्टम डेट क्या है। तो यहाँ हम जाते हैं डेवलपर में, इंसर्ट करता हूँ विंडोज, यहाँ पे सब्जेक्ट आरा या कोई भी दे देता हूँ मैं। तो ये हमारे अब एक्सेल में कैसे करूँगा, तो एक्सेल में फॉर्मूला होता है एक टूडे का, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है कि सिस्टम डेट निकाल के देता है। तो टुडे का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है, राइट। दो और फॉर्मूले हैं जो इसमें से इसमें से ईयर को अलग कर सकता है, ईयर का फॉर्मूला जो कि ईयर को अलग कर सकता है, और मंथ का फॉर्मूला है जो कि मंथ को अलग करता है। लेकिन तो एक्सेल के है ना, हमें तो वीवीए में चाहिए। तो यहाँ भी क्या है कि टुडे यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे डेट होता है, डेट फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो ये आपका करेंट सिस्टम डेट देता है आपको, ठीक है, अगर आप डेट करते हैं तो करेंट सिस्टम डेट आपको करता है। तो करेंट सिस्टम डेट आता है, तो इसमें से मुझे चाहिए ईयर, एक सेकंड लीजिएगा। तो यहां डेट जो है हमारा, डेट में डेट करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है, और मुझे ईयर चाहिए, तो ईयर के लिए यहां पे मैं ईयर का फॉर्मूला लगाया, तो ईयर क्या करेगा, इस डेट में से ईयर को अलग कर देगा, मतलब 2020 को अलग कर देगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि 2020 को तो अलग कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आएगी आपकी
उसको स्टोर कहाँ करेगा, समझे? क्योंकि क्या होता है, फंक्शन है, तो फंक्शन जो है जब कैलकुलेट होता है तो रिजल्ट कहीं नहीं देता है ना सर, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं देता है, तो कहाँ पे इसका स्टोरेज कहाँ पे होगा? तो स्टोरेज के लिए हमें यहाँ पे देना होगा एक वेरिएबल, तो मैं ऐसे ही वाई ले लिया। तो वाई कैसे, वैसे आप मतलब जब मैथमेटिक यूज करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं ना एक्स वाई जेड लेते हैं, तो इसी तरह के एक्स वाई जेड हुआ, मतलब कि जो ईयर 2020 है वो 2020 सेव हो गया वाई के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से महीने के लिए यहाँ पे हम मंथ का फॉर्मूला लेंगे और यहाँ पे हम डेट डालते हैं, तो ये मंथ को कैलकुलेट कर देगा। फिर यहाँ पे डे लेते हैं और यहाँ पे देते हैं डे का फॉर्मूला और इसके अंदर में हम डेट डालते हैं, तो डेट को सेव कर दिया, ठीक है। हाँ सर, डाउट तो नहीं इसमें? इसका सिंटेक्स ऐसे ही आएगा। सिस्टम का जो है, जो सिस्टम का डेट टाइम और सॉरी डेट मंथ और डे, ये हमारा स्टोर हो गया। अब अगर फोल्डर अच्छा बनाना है, तो जैसे कि मुझे फोल्डर बनाना है, कहाँ पर किस लोकेशन में फोल्डर बनाना है, तो हमें बनाना है ये आपका जी ड्राइव में, राइट। तो फोल्डर बनाने का वीवीए कोड होता है, वो होता है MKDIR, के बाद आप यहाँ पे ड्राइव दीजिए और जो फोल्डर नेम देना है वो फोल्डर नेम लास्ट में लिखिए। तो ये क्या करता है कि इस पाथ को कंप्लीट कर देता है, तो जी तक तो किया, फिर देखेगा 2020 है नहीं है, अगर 2020 है नहीं है तो इसको क्रिएट कर देगा, अगर है तो एरर देगा। अगर 2020 का फोल्डर, मतलब ये फोल्डर बनेगा कि, मतलब नहीं समझ में आएंगे फोल्डर वाला ये जगह फोल्डर क्या। बनाएगा MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी, ये फोल्डर बनाने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये MKDIR जो है ये फोल्डर बनाने के लिए यूज होता है। हाँ, अच्छा। इसका जो लास्ट में जो पाथ होता है, लास्ट में जो लिखते हैं स्लैश के बाद, सबसे लास्ट लास्ट के बाद जो होता है वो फोल्डर क्रिएट होता है, उस नाम से फोल्डर क्रिएट होता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ आगे बढ़े सर। सर, अब अगला ऑप्शन इसमें आता है, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि मुझे तो अब 2020 तो यहां पे सेव है ना, मुझे वाई के हिसाब से करना है, हम कॉनकेटेनेट कर देंगे वाई। अब ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे एक्सेल की हम बात करें तो एक्सेल में मेरा ये आपका ड्राइव रखा हुआ है और ये हमारा मान लीजिए ईयर निकल के आया है, तो मुझे एक साथ हम क्या करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एन परसेंट से हम इसको इसको कर देंगे, जाएगा 2020। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा है MKDIR स्लैश वाई। अब मुझे इसके अंदर में मंथ का फॉर्मूला चाहिए, तो ए फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ हम क्या करेंगे वापस स्लैश लगाएंगे और फिर एम परसेंट देंगे और इसमें फिर दे देंगे एम, मतलब जैसे कि ए हमारा, तो फिर हम क्या करेंगे इसमें एम परसेंट लगाएंगे, स्लैश किया और फिर वापस हम महीना सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह बनेगा। तो 2020 के अंदर थ्री नाम का फोल्डर बना देगा, तो हमें लाइन बाय लाइन लिखना, पहले 2000 का फोल्डर बनाएगा, पहले 2000 का फोल्डर उसने नहीं बनाया तो फिर तीन का फोल्डर नहीं बना पाएगा, क्योंकि 2000 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रॉन्ग बात आ जाएगा, सिक्वेंसली लिखना हमें, ठीक है। मुझे तीन के अंदर फो बनाना है आज का डेट का, जो 6 का फोल्डर, तो फिर स्लैश और फिर एन परसेंट और हमने यहाँ पे दे दिया एम, राइट। तो ये इस तरह से बनेगा कि इसमें वो इस तरह से स्लैश एन
परसेंट ये दे दें, हमने दे दिया 6, मतलब कि जो देगा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आ जाएगा, बात आपके सामने बन जाएगा मैम। किरण जी डाउट इसमें? पहले जी में 2020 का फोल्डर बनेगा, फिर मार्च का, फिर डेट का। हाँ, तो ये इसका का एक सेम सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है। तो वाई से ईयर ले लेगा, एम से मंथ ले लेगा, और यहाँ पे लास्ट में डी से डे ले लेगा। फोल्डर बन गई है, तो मुझे फाइल क्रिएट करना है, इसी लोकेशन में सेव करना है, हमें फाइल क्रिएट करना है, इसी लोकेशन में सेव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे mkdir make directory, और फिर इसमें हम एक पूरा माफ कीजिएगा, मेक डायरी तो फोल्डर के लिए होता है, फाइल बनाना है, तो फोल्डर क्या ला लेंगे, workbooks.add, और इसमें फिर हम देंगे ये पूरा डॉट एड के साथ डॉट सेव एज, एक ही साथ जो लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, और ये पूरा पा देंगे। लेकिन क्या है कि इसमें जो है सिर्फ फोल्डर का लोकेशन है, लेकिन मुझे इसमें स्लैश फाइल नेम भी चाहिए, मतलब कि हम क्या करेंगे इसमें एक और स्लैश जोड़ेंगे, और यहाँ जो डे मतलब कि जो सिक्स है हमारा वो सिक्स आएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन 6.xlsx करना है ना हमें, लास्ट में इसका पाथ भी देना पड़ेगा ना हमें, तो लास्ट में इसका पाथ भी हम डाल देते हैं डॉट xlsx का। तो यही चीज यहाँ पे भी करना है कि इसके साथ हम यहाँ स्लैश देंगे इन्वर्टर को ऑन स्लैश एंड यहाँ पे डॉट xls x, ठीक है, वो फाइल को क्लोज कर देगा, जो फाइल क्लोज हुई है उसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, मैंने क्लोज कर देता हूँ, जो फाइल ओपन हुई है उसको क्लोज कर देता हूँ, बुक्स डॉट क्लोज, इस माइक्रो को रन करूंगा, इस माइक्रो को रन करूंगा तो ये आपका परफॉर्मेंस देगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे दिक्कत है वर्कबुक के साथ उसका फाइल नेम भी तो देना पड़ेगा हमें, चाहे एक्टिव वर्कबुक कर देता हूँ सबसे अच्छा, लास्ट स्लैश नहीं होगा, दो बार डी होगा ना इसमें, यहाँ डी हो, यहाँ पे हमने यहाँ पे डी नहीं रखा, बाकी तो अब यहाँ पे देखिए कि 2020 का फुल रन बना, 2020 में हमारा तीन का फुल रन बना, तीन के बाद 6 का फुल रन बना, और 6 के अंदर हमारा फाइल बन गया, बन गया ना मैं। हाँ। इसमें क्या है, अब ये तो हो गई, लेकिन इफ कोड अभी भी सही तरीके से रन नहीं होगा। अच्छा। सही तरीके से रन हो गई, अब इसमें क्या रन होना है, ये चीज आप मुझे बताइए, देखिए क्या इसमें क्या चीज की गलती है, ये SN होगा क्या XLSX के जगह? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइल के बात है ना, मतलब पर फोल्डर तो बना 2020, फिर उसके अंदर 6, फिर एक बार तो चल गया, अगली बार नहीं चलेगा क्योंकि इसमें लूप नहीं लगा हुआ है। नहीं नहीं, नहीं। लूप से कोई मतलब नहीं है। हाँ? एक बार फोल्डर बन गया तो एक दोबारा फोल्डर तो ही बनाएगा ये,
एक ही नाम का दो फोल्डर तो नहीं बनेगा। हाँ यही पे गलती होगी होगी और यही पे आपका फाइल नहीं वर्क करेगा, इसी का कोई सोल्यूशन ढूंढना है। तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा तो फोल्डर तो बन चुका है, उसको दोबारा बनाने की क्या जरूरत। तो तो यहाँ हम पे लोग एक तो कोड, हाँ यहाँ पे एक कोड होता है, क्योंकि जब ये ऐसा होगा, जब फोल्डर नहीं बना पाएगा तो एरर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको एरर दे दिया ना, हाँ एरर आएगा। तो यहाँ पे एक कोड होता है ऑन ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इसका काम क्या है कि जिस लाइन में एरर है उस लाइन को स्किप कर दे, जिस लाइन में एरर है उस लाइन को स्किप। उस लाइन को स्किप कर देना, तो हमारा कोड अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। रन करती हाँ रन होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इस कोड को आपके सिस्टम पे भेज, आपको भेज रहा हूं मेल, आप इसमें आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कीजिए और मॉडिफिकेशन करने के बाद मुझे इसको बताइए। सर, एक्चुअली क्या है कि मुझे डेली फाइल डाउनलोड करना पड़ता है और ऐसी अलग अलग फोल्डर में डेली सेव करना पड़ता है, तो मैं वो चीज इससे कर सकती हूँ ना? ट्राई कीजिए ना, दिक्कत हुई आप मुझे ठीक है, संपर्क मैं करिए और वो भेज दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर आपको उससे रिसोल्यूशन बता दूंगा। ओके सर, मैं आपको 5-10 मिनट में भेजती हूँ। ठीक है।